टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी इन डिजिटल इंडिया, व्हाट इज एट स्टेक. अब दिस बिग वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी एंड स्टेट लुक्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ एंगेजमेंट, एंड व्हेन पीपल हियर, एंड मोस्ट ऑफ देम एज वी हर्ड फ्रॉम द बैकग्राउंड्स आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द रियल नाउ एंड हियर प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. So the first question is, why do we need to like start talking about state, democracy and those concepts when we really need people's problems the way they were pointed out? Unhe mazdoori chahiye, unhe khana chahiye, shiksha chahiye, swasthya chahiye. So why do we need to talk about this these big things at this moment is one question. We all, you know, agree with these ideals which are there in the constitution. Generally country has agreed to those principles and they're taken for granted. But one proposition here is that the digital, jo ek shabd hum use kar rahe hain, main thoda aur hindi mein bhi bolunga, but beech beech mein bhi bolte ja raha hu, technology ek is prakar se ek cheez hamare aas paas banti ja rahi hai jo almost everything we know, we do, we interact with is getting changed very fundamentally. We sometimes say that the way industrial revolution changed every institution. Aaj, if today we have schools, they are a clear product of a certain kind of relationships of production which was industrial society. If we have a welfare system, it has direct relationship to how work migrated to the industrial spaces, and therefore these kind of things took place. And a proposition is that kind of fundamental changes are taking place in all institutions. The nation state is a product of industrial revolution and so on. Usi, in the same way, basic institutions are going to change. Main hindi mein bolte hue ki jis prakar se jab ek industrial revolution hui, jab har cheez industries mein, companies mein banni shuru ho gayi, hum apni ek agriculture, ek खेती बाड़ी की सोसाइटी से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए, तो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे डेमोक्रेसी भी एक प्रकार की तब उसने एक स्वरूप लिया, और हमारी स्कूल जो थे, हमारे अस्पताल, हमारे सरकारें, जो वेलफेयर सिस्टम, ये सारे बने एक प्रकार की इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के बीच में, आर्थिक संबंधों के बीच में ये संस्थाएं बनी. उसी प्रकार से हम एक बड़ी फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक चेंज, एक परिवर्तन देख रहे हैं आज. और होता क्या है कि हम अपने अपने काम के अनुसार जो बदलाव हो रहे हैं उनके प्रति तो हम एक प्रतिक्रिया दे देते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये गलत है या ये सही है. और कभी कभी ये सही लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कुछ देती है. टेक्नोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल फोर्स, इट गिव्स सो मच दैट नॉर्मली हमें हर एरिया में बहुत कुछ मिलते लगता है. तो थोड़ा गलत भी हम मान लेते हैं कि चलो वो भी अच्छे के साथ ही आता है, और अगर हम बुरा भी कहते हैं तो जनरली उसी छोटे एरिया में ही कहते हैं कि ये गलत है. पर हम कोशिश करना चाहते हैं इस वर्कशॉप में कि हम ऊपर उठ के सारी जो बदलाव हो रहे हैं उसका एक प्रकार से एक चित्र बना पाए. वो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं बना पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो हमारी प्रतिक्रिया उस प्रकार से नहीं हो पाएगी जो इन फोर्सेस, जो वैसे ही बहुत ही शक्तिशाली हैं, हम उनको पीछे धकेल सके. तो इसलिए हमें जनतंत्र, प्रशासन, इस प्रकार के बड़े चीजों के बारे में बात करनी पड़ रही है, जबकि हमारा मकसद केवल लोगों की बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी उनकी जो उनकी डिमांड्स हैं, उन्हें ही पूरा करना है. तो इसलिए हम जनतंत्र डिजिटल इंडिया में किस प्रकार का है उस लेवल की बात कर रहे हैं. अब जब ये गाना गाया जा रहा था तो मैं ये भी सोच रहा था कि इस बात को हम कैसे डालेंगे कि मुझे चाहिए, मैं कि क्या मुझे डेटा चाहिए या मुझे आधार, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए, लेकिन चलो आधार में भी मैं बहुत लोगों से बाहर मिलता हूं. तो बातचीत में मुझे, आप लोग सारे कहते हैं कि आधार एक प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बहुत कम लोग बाहर मिलते हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, वैसे वो मानने को तैयार हैं कि बुनियादी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, वो बातें मैं मना लेता हूं लोगों को, लेकिन आधार पर ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं. मुझे लगता है कि हमारा जो हमारे केस हमने अच्छी तरह नहीं बनाया है कि
क्या कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं। तो ऐसे विषयों पे मैं अब ये बहस को शुरू करता हूँ। इन इंग्लिश आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड एंड इट्स पॉसिबल एटलीस्ट इवन इफ दे डोंट कन्वर्ट फ्रॉम देयर हार्ट टू मेक अ केस व्हाई इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई बेसिक एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, फूड, सर्टेन सप्लाई ऑफ फूड इज इम्पॉर्टेंट टू बी गिवन टू एवरीबॉडी एंड सो ऑन, बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस वेरी वेल मीनिंग पीपल दैट आधार इज एज सच अ प्रॉब्लम and therefore I think we have not made our case well. And apart from the fact that we make our case partial in the areas of which we work, our case has always been reactive in this area of technology because it's so fast and hits us with such force ki hum jo aadmi jo maar pad rahi hoti hai ya kisi you know dabav mein hota hai to pehle wo kehta hai ki kharab kya hai aur hum wahi keh pate hain ki ye cheeze galat hain, but hum ye nahi keh pate ki fir sahi kya hona chahiye. The most of the time our resistance to technology becomes a resistance to technology itself, which is obviously foolish to do in the present times because it's so powerful and it's going to change so many things and it could be very, very positive. So we should be able to give alternatives to those changes, so jo which has not happened till now. Hame unke विकल्प, हाँ मैं उनमें विकल्प नहीं दे पाते उनके, और उन विकल्पों की बात करनी है और एक ऊपर से एक चित्र लेना है कि ये सारी चेंजेस एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे. एज लिस्टेड निखिल दे फर्स्ट, उषा नेक्स्ट एंड सुमंद्रो, दे विल ऑल टॉक फॉर अबाउट 5 मिनट्स ईच टू गिव देयर व्यूज, बट आई विल ऑल्सो प्रेजेंट सम इनिशियल क्वेश्चंस टू ईच. निखिल, आई मीन द फर्स्ट फेज ऑफ an infrastructure of interaction, citizen interaction has been already been made for the last many years, which has been also an infrastructure of public information and service delivery, CSEs and such things. So how do you think it has fared vis-a-vis people's basic needs and the needs of democracy? First question, and second, ki I have heard you speak a lot about Janta information systems, and now in times of data, what would be a Janta data system? तो सवाल मेरा ये है कि पिछले 10 सालों में एक एक ढांचा बन गया है जो इंटरनेट के ऊपर स्टेट और सिटीजन के बीच में आदान प्रदान का, बातचीत का, इन्फॉर्मेशन लेने देने का, तो वो पिछले 10 सालों में किस प्रकार से डेमोक्रेसी को उसने बढ़ाया है या कम किया है. और दूसरा, मैंने बहुत बार सुना है एमकेएसएस से जनता इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट के नहीं जनता के लिए होने चाहिए और उनकी तरफ उनका रुख होना चाहिए. तो आज डेटा के टाइम्स में उसका क्या प्रारूप होगा, एक जनता डेटा सिस्टम्स क्या होंगे, वो 5 मिनट अपनी बात करेंगे और शायद ये सवाल के जवाब भी देने के. बस बता दूं कि हैशटैग छोटा हो गए, जिनको ट्वीट करना है प्लीज ट्वीट कर दीजिए. और मैं ये भी कहूँ जिनको नहीं करना है प्लीज ना, प्लीज मत कीजिए. तो शुक्रिया. मैं शुरू में ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल जो पूछे हैं परम ने, इन सवालों से थोड़ा सा पीछे मैं हटना चाहता हूँ इनटू द ब्रॉडर फ्रेमवर्क अगेन, क्योंकि इन्होंने जो बात आधार की मेरे ख्याल में मुझे आधार का जब शुरू हो रहा था डिबेट, तब एक ही कमरे में जब गोपाल गांधी एक लेक्चर दे रहे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और उसी कमरे में नंदन नीलेकानी भी थे, और उसी कमरे में अरुणा और मैं और कुछ और लोग जिन्होंने एक स्टेटमेंट साइन किया था वो थे. और गोपाल गांधी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रखी जो एक पर्सपेक्टिव है, एक थियोरेटिकल बात है. उन्होंने वो कोई ये खिलाफ नहीं बोल रहे थे आधार के, लेकिन उन्होंने कहा हम ये ध्यान रखें कि आरटीआई एक ऐसी चीज थी, और उन्होंने कहा आरटीआई मूवमेंट के यहां लोग बैठे हैं, जिसने सरकार के हर कदम पर जनता की निगरानी का एक व्यवस्था स्थापित किया. आधार कह रहा है कि वो और खुला इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रैकिंग ये वो कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए जिसके तहत सरकार जनता के हर कदम पर निगरानी रख सके और जनता की निगरानी का पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाए. दैट इट शुड
we should be careful and should see that RTI was a means by which people could keep track of every single move of government. The citizen could. We have to be careful that Aadhaar does not become a means by which government keeps track of every single move of every citizen and destroys the framework that exists. I think that was a very wise formulation that was put. That I don't remember. So, yeah, so I don't remember it. Usha is saying that he said that if anyone can do it, it's Nandan Nilekani. I think it takes much more than a Nandan Nilekani, whatever he may be. But lekin baat yahi hai ki is framework ko hum bhool nahi sakte hain. We cannot forget, I think, the broader framework, which is where are we coming from. And jab RTI shuru hua, do cheeze main uske baare mein rakhna chahta hun, phir main in dono sawalon par aa jaunga jo aapne kaha. Ek to humne ek koi naya information system bilkul nahi banaya. नहीं कानून बनाया तो कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई एक्सेप्ट फॉर वन इंफॉर्मेशन कमीशन विच हैंग्स इन द एयर लार्जली इनइफेक्टिव बट नेवरदलेस इट्स देयर. हमने क्या किया, अंग्रेजों के टाइम से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था ऑफ अकाउंटेबिलिटी बट इट वॉज अपवर्ड्स. ऑल वी डिड वॉज से टर्न दैट अराउंड एंड ओपन इट टू पीपल. सो द क्वेश्चन बिकेम हु देन were the final people who were getting that information. Who was it serving? So that those same questions came. Who frames a question? Who asks? Who gets the replies? Who fiddles with that information and formulates it and arranges it and organizes it? Who uses it? What is it used for? Those are essential questions in any information system, and the digital is useless if it's not connected with information. The digital today is all information. It's so that's why it's not a information technology, it's a digital information system. And that arrangement of who controls, who asks, who wants it, who needs it, for whose needs it's being made is crucial to it. Aur isiliye hum management aur janta ke beech mein ek hi shabd ka farak hai. वही इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट के लिए बन रहा है या जनता के लिए बन रहा है, वो सवाल है. मैनेजमेंट के लिए बनेगा तो आधार बहुत जरूरी है, क्योंकि या भामाशाह या जो भी है, क्योंकि वो बैठ के कहेंगे मुझे एक डेस्क में बैठ के पूरे देश में क्या हो रहा है देखना है, किस जगह क्या हो रहा है, किस जगह कितना हो रहा है, किस जगह किसका क्या हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो उनके मन में जो है, वो उनके मन में जो है दे विल ओनली आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन दैट इज इम्पोर्टेंट टू देम. जनता इन्फॉर्मेशन सिस्टम बने तो बिल्कुल दूसरे तरफ से लोग कहेंगे कि मुझे मेरे राशन के लिए या मुझे मेरे लोकतंत्र के लिए या मुझे मेरी पंचायत में या मुझे मेरे सरपंच के बारे में या मुझे मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जो देखना है या नहीं देखना है, दैट इज समथिंग दैट आई विल फ्रेम द क्वेश्चंस, आई विल आस्क द क्वेश्चंस, आई विल डिमांड द आंसर्स, आई विल मेक श्योर दैट इट इज इन अ मेथड दैट आई कैन अंडरस्टैंड. And it makes a huge difference as to how that whole arrangement and organization takes place. I'll make sure I don't take more than 5 minutes. That's why today, ye pura Aadhaar ke saath ek package aa raha hai. Bahut powerful technocrats. Aaj ye pura 501,000 wala mamla, ye Modi to fas gaya mujhe to lagta hai. Kyunki technocrat ke chungal mein fas gaya ki haan, ye sab hum kar lenge. कोई पॉलिटिशियन समझदार हो मेरे हिसाब से कभी नहीं करता ये, तो वॉट एवर मे बी देयर पर्टिकुलर डिजायर टू डू इट. तो अ टेक्नोक्रेट हु बिलीव्स सिटिंग इन वन ड्रॉइंग टेबल, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्टली व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, दे कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम पीपल इवन इफ दे आर डीसेंट पीपल. एंड वी नो वेरी मेनी डीसेंट टेक्नोक्रेट्स हु कीप इंसिस्टिंग नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, आप इसकी चिंता मत करो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने बना दिया, आप जो कह रहे हो ये हमारे डेस्क पर बना दिया नीचे, और जमीनी हकीकत उनको दूर दूर तक नहीं पता, ना उसकी परवाह है, और परवाह है तो कहेंगे आगे हम जाके ठीक कर देंगे, वो वहीं बैठे रहते हैं. सो योर एक्सपीरियंस इन वे यू स्टैंड एंड वे यू आर, विच इज वाई अगेन ऑन आधार टूडे परम देर आर 30% पीपल इन राजस्थान, 30% हाउस होल्ड्स हु आर NFSA बेनिफिशरीज on paper, who are not getting their rations for the last 2 months because they are banned that anyone who's
बायोमेट्रिक जिनका नहीं चलता उनको नहीं मिलेगा। सरकार के आंकड़े हैं वेबसाइट पे कि 30% 30% क्या होता है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग राजस्थान में राशन से वंचित हैं, सबसे गरीब, उनसे पूछो वो तो गालियां क्या और भी ज्यादा देंगे। लेकिन हम वो बहुत आर्टिकुलेट पावरफुल अंग्रेजी भाषी टेक्नोक्रेट के बच्चे, टेक्नोक्रेट के साथ उनके दोस्त, उनकी दुनिया, उनके साथ हम बातचीत रात दिन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स पावरफुल नहीं है, क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी गलत जगह से निकल के आ रहे हैं। तो हमारी भी दुनिया कहीं ना कहीं, आर ओन वर्ल्ड इज वेरी लिमिटेड, आर ओन पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स, आर आर्टिक्यूलेशंस आर ऑल्सो लिमिटेड, आर अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो लिमिटेड, एंड वी आर आर्ग्यूइंग आवरसेल्व्स रेड इन द फेस विद अ सेट ऑफ पीपल हु आर नॉट नेगेटिवली अफेक्टेड। वन पार्ट ऑफ इट इज द ट्रिमेंडस miasma in which we live, in which sense we think this country can do things digitally. That's the practical side of it, which is suffering, whether it's a note issue or whether it's Aadhaar transference. The other is the democracy part of it. Is that what is it that people will choose? What do they want? How do they want it? Where do they want the controls? Do they want one auditor sitting in Delhi to audit their stuff, or do they want audit in their hands? Do they want a face-to-face interaction, or do they think sitting on the net, this is something that can be sorted out or not? And we cannot separate. Hum madhyam ko uske uddeshya se alag nahi kar sakte. Wo uddeshya bhi hai ki main ek loktantrik tarike se aamna samna karke wahi kuch na kuch nirnay mere haath mein rahe, aur madhyam bhi मेरे हाथ में है, वो माध्यम मैं चुनूं, डू आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिजिटली और डू आई नॉट वॉन्ट टू डू इट। मतलब कोई तय करता है कल आपको राशन कार्ड तो ऑनलाइन ही मिलेगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो जाएगा, छट से मिल जाएगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे सारे चीज जो मैं पहले करता था वो भी करना है, भाई और ऑनलाइन बिचौलिया बैठ गया उसके बीच में, और वो क्या, और कोई कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा। तो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा तो मैं ऑनलाइन को क्यों चुनूंगा, मैं चुनूंगा कोई ना कोई रास्ता जहां, तो वो लोकतांत्रिक चयन करना। इसीलिए तीन चीजें मैं कहूंगा वापस, ये तीन शब्दों से पिछले 10 साल, आपने 10 साल की बात की, डिजिटल बहुत महत्वपूर्ण रहे, लेकिन पूरी दुनिया में, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर है वो भी कहता है हमें डेमोक्रेसी चाहिए, वो कहता है हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, वो कहता है मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मैं बिल्कुल अकाउंटेबल हूँ, और वो कहता है मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। शब्द तो कोई भी नहीं है जो इन शब्दों को काम में नहीं ले रहा है। हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा थ्रू नॉट जस्ट यूजिंग द लैंग्वेज बट एक्चुअली सीइंग हाउ इट प्लेज आउट, कि क्या है जो इसके अर्थ हैं, किसके हाथ में कंट्रोल्स हैं, और वो उस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को, उस बड़े चीज को अपने रोजाना की जिंदगी के साथ जोड़े। मेरा मानना है कि काफी हद तक आरटीआई के लंबे कहानी में, 10 साल के उस कानून के, उसमें बहुत सारे ये डिबेट्स आए, इसीलिए वो कानून लोगों के हाथों में रहा, इसीलिए उस कानून में कंट्रोल्स काफी सारे, और इसीलिए आज भी उस कानून से लोगों को कुछ मिल रहा है, हालांकि उस पर भयंकर आक्रमण हुए। आई थिंक वी रियली नीड टू, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ बीइंग इन अ राइट्स फ्रेमवर्क बट इट्स अ क्वेश्चन अगेन कि ये पूरा फ्रेमवर्क तो थोपा जा रहा है बिना कोई कानूनी आधार, बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आधार, कहां से आया, कल किसी ने सोच लिया बहुत बढ़िया आइडिया लगा दिया, कल परसों किसी ने सोच लिया इसको यहां चेंज कर दें, वहां कर लें, जो सॉफ्टवेयर चेंज करने वाले हैं वो महाडिक्टेटर बन गए। आज कानून एक कहता है, सॉफ्टवेयर में छोटा चेंज कानून दूसरी चीज कहता है। तो ये जो आपने ही मुझे एक बताया, मैंने कभी वो सुना था, नहीं सुना था पहले, दैट दी व्हाट इज द फर्स्ट वन, व्हाट इज आर्किटेक्चर, कोड इज लॉ, पॉलिसी इज आर्किटेक्चर, पॉलिसी इज आर्किटेक्चर एंड कोड इज लॉ, कि इस पूरी डिजिटल दुनिया में उसकी पॉलिसी बनाने वाले और कौन होते हैं, वो भी टेक्नोक्रेट होते हैं, पॉलिसी बनाने वाले वो आर्किटेक्चर बनाते हैं और कोड बनाने वाले वो कानून बनाते हैं, कहां रही डेमोक्रेसी। तो वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल कम बैक टू, आई मीन आई थिंक वी हैव टू टॉक इन दीज डेज की जनता डेटा
सिस्टम क्या होगा. दैट्स द ओवरऑल आई थिंक द एक्सरसाइज विच वी एनी केस हम करेंगे कि अगर डेटा इस प्रकार से जिस प्रकार से यूज हो रहा है तो उस प्रकार से ना हो तो फिर किस प्रकार से यूज हो. वो हमारा मेन मकसद है इस वर्कशॉप का मेरे हिसाब से. वो हम बात करेंगे. तो अब आई विल गो टू उषा रामनाथन, लीगल स्कॉलर हु हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वोकल एंड स्ट्रॉन्ग वॉइसेस अगेंस्ट इरोजन्स ऑफ प्राइवेसी विच आधार एंड सच कॉन्सेप्ट्स हैव मेंट. एंड she'll of course speak about how she has seen this thing move in the last few years, but also to ask her an question about I know one of our favorite characters is Nandan Nilkani, and I will obviously ask a question about his creations which she has criticized at length, information utilities. इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज कुछ एक कंपनीज बन रही थी जो नंदन नीलकानी के प्रोजेक्ट में थी. वो कंपनीज सरकारी डेटा जो है वो इकट्ठा करेंगी और उनकी मालिक होंगी. 51% वो प्राइवेट 51% उन्हें प्राइवेट होना था. तो जो भी सरकार डेटा इकट्ठा करती जा रही है उसका एक कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उनकी कंपनीज बन जाएंगी. तो एक एजुकेशन डेटा की एक कंपनी होगी और पीडीएस डेटा की एक कंपनी होगी और हेल्थ की एक कंपनी होगी और टाउन प्लानिंग की एक कंपनी होगी. और एक तरह से देखा जाए तो उसने दूरदर्शिता का एक विचार था नंदन नीलकानी का. गलत था या सही था वो अभी हम सुनेंगे कि ऐसी कंपनीज बन जाएंगी जो उसे पता था कि आधार ये सब काम करने वाला है, कि आधार इज गोइंग टू सोक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर एंड सिंस ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इट शुड बी यूटिलाइज फॉर गवर्नेंस. तो वो कंपनियां बनेंगी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगी और फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स उस कंपनी से इन्फॉर्मेशन खरीदा करेंगे पॉलिसीज बनाने के लिए. द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विल हैव टू बाय द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज कंपनीज टू मेक पॉलिसीज. सो द क्वेश्चन टू हर विच अलाइज विद द क्वेश्चन आई आस्क्ड निखिल इन अ डिफरेंट वे इज कि ऐसी आज शायद उनको डेटा यूटिलिटीज कहा जाए या इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज जो भी कहें. तो सिंस डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू टुडे फॉर गवर्नेंस एज फॉर एनीथिंग एल्स, तो इफ देयर आर सपोज टू बी सच यूटिलिटीज और देयर शुड नेवर बी एनी यूटिलिटीज, दैट्स अ क्वेश्चन. एंड इफ दे आर सपोज टू बी सच यूटिलिटीज व्हाट फॉर्म दे शुड टेक. बट दिस इज ओनली टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ आवर 5 मिनट्स. शी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन बट शी इज वेलकम टू प्रेजेंट हर व्यूज ऑन दीज इश्यूज. थैंक यू उषा. The first thing I must say is that I reject the word governance altogether, because if we look at how this word has come to us in the constitution, in directive principles of state policy, you have the word governance. That meant something different from what the World Bank has reintroduced in our midst. Governance in the past 26 years, 25 years, whatever, has been a term that basically tells a government that you have to produce results. It has been the process through which it has been the kind of word that is helping the government get into a state jahan par kanoon unke upar nahi lagega, sirf hamare upar lagega. So the government is allowed to use the law to govern, to achieve results. Governance is about achieving results that various people want. So they say, you know, we change the land acquisition law, we'll get into MOUs where we say that we'll maintain law and order in the place where land acquisition is happening. It determines who is the person who has, it's completely changed the citizen into a subject, and a subject who is supposed to follow what the government says, regardless of what the constitution says, what the law says, whatever. And when the government does something that is illegal, it is no longer considered illegal because it is about achieving results. If you hear the conversations that are going on demonetization and the kind of power that this government and especially the Prime Minister think he has, and that he can do what he wants, that tells us about the state of exception that has been created through this idea of governance. So I reject the idea of governance. When people have control over what is happening in a state, where people have the right to question, they have the authority to question and they have the power to know, then that is not being governed. And therefore, there is a difference. So I reject that notion altogether. I also think Shankarji simply doesn't get it. You know, long time back, we were told,
that ye roti, kapda aur makan is passe, wo sab kisko chahiye? Abhi teen aur cheez aa gaya us jagah pe, jo hai aadhar number, mobile number aur bank account number. Jab ye teen hai, roti, kapda, makan ka kya zarurat hai? Aur jal jal zameen to koi sochta bhi nahi, matlab wo hai, kisi ko pata nahi. So, you know, you've got it all wrong, you have to rewrite your song. My God, that even rhymed. So, this is the imagination in which it has gone, that, you know, big deal about roti, kapda aur makan. Who wants that? Now you need these, this is your power. So that's the kind of imagination in which it is going. I also want to say that, you know, what we are seeing now, I think could perhaps be relatable to what happened with the oil companies taking over the world. The Seven Sisters have histories that have been written about them, and we are seeing technology companies now which want to replace them and take over that space. So we are seeing, I mean, what is it that they told us, we are giving you carbon whatever, and now you're able to travel, you're able to go everywhere, you have access to everything. And then what you have at regular intervals is war, overthrowing of governments, destruction of democracy where it exists, and huge climate change for which nobody is responsible. We'll kill ourselves in the process, but we'll call it progress. And it's done so that these seven companies can prosper. So that you will not allow anything else to come in. You won't allow for non-renewable energy to come in. You won't allow for other forms of living to exist, because you need to be powerful through the power as a corporation which controls the whole world. I don't think this is, you know, this is no longer, it's not imagination, it's not hypothesis, this is what we've seen. And these have been the consequences. If we don't, if we are not able to relate these consequences with what happened then we'll miss what can happen with these information technologies too. The third thing is that I think the idea of democracy is being changed, because not fundamentally, they are still saying that democracy in our countries is about representative democracy. It's a question of who is representing us now. And the government is handing over what they have. I mean, one of the indications of that handing over is the National Information Utilities, where the basic logic is this, that, you know, government is now also passe. Because government is inefficient, they are incapable of handling data, people when they work in government will not work at all. And therefore, you have to create these other structures to which government will hand over all that it has. So government as custodian keeps the data that we give them for various purposes. And then you create national information utilities, which came up in a report which Nandan Nilekani chaired, the chair of that committee. And it's already, the first has already been set up, which is GSTN. You hand over everything to the private party, and then the private company. So you're going to have HDFC Bank and ICICI, which is going to handle all the revenue in information of this country. And they're going to tell the government, not just that they're going to sell it back to them, they're going to interpret it for them and tell them what they need to see in it. So, I mean, there are multiple things. I don't know how, I perhaps keep gone past my 5-minute time, but I'll just say one more thing. Please. That, what the state is handing over its, you know, with all this information and data and money and resources and people, is it's also handing over impunity along with it. So there are, which is why, you know, yesterday Anupam is here, you'll be happy to hear me say this, there are simply no structures of liability built into this. So there's impunity, and that impunity is deliberate and it's being built into the system partly through having no law. And no law is one way by which is why the UI didn't have the law for the longest time. Yeah. And I think when we're looking at this, there are two things that we must remember. We have not always been reactive. In fact, on the UID, many of us and many people who heard what was happening, people started seeing it quite early. And many of the things that are happening now were anticipated, written about, and they kept telling us, and I'll end with this, that in the Supreme Court yesterday, Prasanna was telling us that when they first replied to the first petitions, their first paragraph says that this petition cannot be entertained because it is premature. So it's too early, nothing has happened, what are they bringing in a petition about? Second paragraph starts with saying that it is struck by laches. Laches means delay. So you're too early to come to the court, you're premature, and you're too late in coming to the court because too many things have already happened. This is the kind of
know, kind of rubbish that they are able to talk and get away with because there is no answerability. So I think, in my mind, impunity is a big issue. Representation. Google says that they will represent us today. These guys who are sitting here and creating all this are saying, we'll take over the systems and we will represent your interest. You will not represent your interest anymore. So I think it is representations. There are many things within this we have to see. I think what we are seeing in an interesting kind of way is the dismemberment of the state and the taking over of a corporatocracy. And I want to know what that means. It seems very different from what any of the philosophers told us. With a new kind of philosophy emerging, which is being generated by the corporatocracy. I only want to say one thing, that there is a book that has come out the past year called Geek Heresy. I keep mentioning it everywhere because this book is based on experiences in India about what the digital, you know, what this, what technology means and what it, you know, what it's capable of doing. So just take a look at it. I don't know. Geek, G-E-E-K, Heresy. Yeah. Toyama. Used to work for Microsoft. For a very long time, yeah. Headed which makes it interesting because he came here to evangelize, which is the word that Nilakani's group uses, that they're evangelizing people. He came here to evangelize and went back saying, it's stupid of me to evangelize because actually I'm a heretic because I'm now going to be saying that this is, it's ridiculous to say that these are solutions. These are not even the beginnings of that. They can assist. He calls it, there are multiple things. So just take a look at it. But there is something happening to the nature of the state through this process and to the nature of us as a people. Yeah. Which is dramatic. थोड़ा सा आप करवे अनुवाद. Okay. If you are following in your mind, please do. दो मिनट में मैं कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ important चीजें हैं जो पहले तो उषा जी ने कहा ये गवर्नेंस राज सत्ता ऑन ही है ऑन ऑफ में कोई खास अंतर नहीं राजसत्ता कहेंगे गवर्नेंस को लेकिन कि ये शब्द ही ठीक नहीं लगता है क्योंकि इससे लगता है कि राज करेगा सत्ता हमारे ऊपर और हमारा कोई कंट्रोल राज पर नहीं और राज सत्ता का उद्देश्य है कि हम मोटे तौर पर नतीजे निकाले और कुछ नहीं तो नतीजे निकाल रहे हैं तो हमारे पास सब कुछ हमारा ठीक है इसीलिए अब रोटी कपड़ा मकान लेना भूल जाओ हम बताएंगे आपको क्या चाहिए उसकी जरूरत नहीं है आपको जरूरत केवल अंगूठे की है मोबाइल फोन की है और बैंक अकाउंट की है उसके माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि हमें मिलता है सब कुछ तो बस वो चाहिए ये सब बाकी चीजें आप भूल जाओ कह रहे हैं कि जैसे मुझे लगता है कि एक युग में तेल की कंपनियों ने बताया कि बस आपको ये मिल जाए तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाएगी नई दुनिया खुल जाएगी तो अब ये वाले लोग जो डिजिटल माध्यम से आ रहे हैं मैं यदि गलत हूं बता दो नहीं तो वो आप हम बता रहे हैं कि आपको नई दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा चाहे रोटी कपड़ा मकान हो या चाहे लोकतंत्र हो या कुछ और हो इस ढांचे में नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सब पास से है मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है जरूरत नहीं है सिर्फ ये चीज का जरूरत है हाँ हाँ तो किसी पिटी बात है पुरानी है तो इस पूरे चीज में उषा जी ने कहा कि हम प्रतिक्रियाएं नहीं कर रहे हैं हमने हर चीज के बारे में कहा है पहले से जैसे ही हमें दिखा और पता चला ऐसा नहीं कि आने के बाद ही हमने कहा हमने भी आगे सोचा ये कहाँ जाने वाला है लेकिन उसका कहीं सुना नहीं गया क्योंकि एक पूरा ढांचा है और इस ढांचे में कह रहे हैं कौन प्रतिनिधि होगा प्राइवेट होगा हम होंगे जवाबदेही नहीं होगी इसलिए कोई कानूनी ढांचा नहीं होगा और तय करेंगे तो हम करेंगे ताकि आपको इसके नतीजे मिले बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दें थैंक यू निखिल द थर्ड स्पीकर इज सुमांद्रो सुमांद्रो हैज वर्क्ड अ लॉट ऑन ओपन डेटा ओपन डेटा की आपने हिंदी बनाई थी नहीं जरूरत नहीं पड़ा वो हिंदी तक पहुंचा नहीं हुआ हमने हिंदी अनुवाद में ये जो बड़े बड़े शब्द हैं अंग्रेजी में उसी को रखे हैं क्योंकि लोगों को जानना है कि ऐसी शब्द हैं है, बढ़िया डेटा है ओपन डेटा पे उन्होंने बहुत काम किया तो सरकार का जितना भी जितनी भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं है वो
खुद ब खुद ही मतलब पब्लिश हो जाए, बिल्कुल लोगों के सामने हो, ये नहीं कि लोग मांगे उन्हें तो दी जाए या जो उनको दिल करे वो सामने डाल दें, सिवाय उन इन्फॉर्मेशन के जिसका कोई कारण हो कि वो नहीं डाल सकते, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही जो रॉ फॉर्म में जो होती है, बिल्कुल ही जिस प्रकार से वो बनती है उसी प्रकार डाल दी जाए, लोग उसका क्या करना चाहेंगे वो लोगों पर छोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे इसको ओपन डेटा कहते हैं, और उस पर इन्होंने समुद्र ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ओपन डेटा ही डाल देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि लोगों के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, उनको वो सब चीज़ें चाहिए जो उसे वो ओपन डेटा को अपने इस्तेमाल में ला सके, और वो स्किल्स भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए ये कोई बराबरी का विषय नहीं हो जाता कि सिर्फ आपने डेटा डाल लिया तो सारे लोग उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये काम भी इन्होंने किया है ओपन डेटा पे। बट वाइल ही विल बी स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड अदर्स, वन क्वेश्चन विच आई हैव फॉर हिम इज दैट इन दिस न्यू टाइम्स व्हेन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेट ऑफ डेटा इज पर्सनल डेटा विच कैनॉट बी ओपन्ड टू यू नो जस्ट बी पुट ऑन द वेबसाइट फॉर एवरीबॉडी टू सी, एंड दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल डेटा टुडे, एंड सेकेंडली इट्स द फॉर्मेट इन विच डेटा इज एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड which is at least as important as the raw data itself, and these new situations have come, how could public ownership of data be made practical? Because earlier just to give it to them was a way to transfer ownership to the people, but now that's not enough, so what are the new forms in which people can actually own the value of data? Pehle to hum ye keh rahe the ki data logon ko de diya jaye तो वो उन पे है कि उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आपको पता है कि जो आपके पर्सनल डेटा है, आपके एक 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 व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में, वो क्या करता है स्कूल में, बच्चे क्या काम करते हैं, ये सब डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता, और सबसे ज़्यादा कीमत इस डेटा की है जो पर्सनल डेटा है, तो इस डेटा को तो पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसमें से वैल्यू प्राप्त की जा सकती है वो लोगों के पास होनी चाहिए, तो वो कैसे संभव है इसके बारे में भी अगर कुछ बोल सके तो प्लीज टू समझ लो। थैंक यू परम। थोड़ा मैं एक लार्जर पॉइंट से शुरू करना चाहूँगा, उसके बाद इसमें आ रहा हूँ थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करके, ठीक है? तो अंग्रेजी में ही बोलूँ अगर कुछ, हाँ कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए, मैं तभी शायद ट्रांसलेट कर लूँगा या बाद में। हाँ बहुत सही है, बेसिकली किसी सब कुछ भी समझाना है। ओके, इफ यू मिस बिग पॉइंट्स आई एंड निखिल विल ट्राई टू, थैंक्स। सो आप करो ना, मैं कर लूंगा, नहीं मगर जल्दी से रहेगा, परम तो गुरु है। बिल्कुल गुरु। ओके, सो दो चीज, एक है मैं कुछ शब्द हम ऑलरेडी पकड़े हैं, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल दीज वर्ड्स आर गेटिंग अप्रोप्रिएटेड बाई वेरियस काइंड ऑफ एक्टर्स। काफ़ी लोग हैं वो ऐसे नहीं, क्योंकि जो हम लोग बैठे हैं इस रूम में बस यही लोग वो शब्द यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात है नहीं, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और वो मतलब शब्द लेके फुटबॉल खेल रहे हैं बेसिकली। तो नाउ द पॉइंट इज दिस, टू गेट इन टू द क्वेश्चन ऑफ ओपन डेटा, विच इज जिसको मतलब दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो उसको प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बोला जाता है, मतलब RTI हो गया रिएक्टिव डिस्क्लोजर, मतलब आप जाएंगे सरकार के पास, सरकार रिएक्ट करेंगे, आपको तथ्य देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अगेन बहुत प्रिंसिपल आइडियल वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि दिस एक्चुअली हैपन्स। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की आइडिया ऐसी है कि काफ़ी सारे डेटा है सरकार के पास, द गवर्नमेंट हैज़ मेनी काइंड ऑफ डेटा विच इट कैन बाई इट सेल्फ पब्लिश, जैसे बजट हो गया, वो सरकार ऑलरेडी करता है पब्लिश, खुद से करता है, आप पूछते भी नहीं होंगे, पढ़ते भी नहीं होंगे, वो करता है, एंड इट पॉसिबली डज इट इन अ फॉर्मेट विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर जनरल ऑडियंस, जनरल सिटीजन्स टू एक्सेस, टू अंडरस्टैंड एंड सो ऑन। तो ऐसे लोग भी काफ़ी हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ही पता होंगे जो बजट डेटा लेके स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, और वो ट्रांसलेशन के काम करते हैं टू सम एक्सटेंट, दे टेक द बजट डेटा और समझाते हैं कि इस साल बजट ऐसे बने तो ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरी बोल सकते हैं, डेटा इंटरमीडियरी बोल सकते हैं, जो वो ट्रांसलेशन के काम करते हैं। बट टू टेक अ स्टेप बैक,
ये डिजिटल वाली चीज को लेकर थोड़ा बात करना चाहिए, और डिजिटल और इंफॉर्मेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी की जो कोर फैक्टर है, उसका जो कोर वैल्यू है, वो होता है इंफॉर्मेशन से। और इंफॉर्मेशन शब्द ऐसे नहीं कि हमारे देश में अभी आ रहे हैं, काफ़ी दिन से ये चीज़ चल रहे हैं, आप जुड़े हुए होंगे उसके साथ। फिर भी एक चीज़ हमारा ज़रूरी है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का काफ़ी सारे मतलब हो सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, तो आई जस्ट कम टू दैट बाई बिफोर स्टेटिंग समथिंग एल्स। उषा जी बोलते हैं एक मीटिंग के बारे में, वो हुआ था यूरोप में, मैं शहर के नाम भूल रहा हूँ, वो रेफरेंस हम ढूंढते रहते हैं, लिस्बन। सो लिस्बन में एक मीटिंग हुआ था अर्ली 2000s में, वेयर यूरोपियन आईटी कंपनीज मेड अ रिक्वेस्ट टू ईयू कि द .com ओके सो आईटी कंपनीज ग्लोबली, यू स्पेसिफिक मे बी ऑल्सो, दे मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एस्पेशली ईयू, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मेकिंग ऑफ द ईयू ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इट्स कम्प्लीटली राइट, वेयर दे सेड दैट इट इज बिकमिंग क्वाइट डिफिकल्ट फॉर आईटी कंपनीज टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ अ पोस्ट .com बबल वर्ल्ड। आईटी कंपनीज के लिए दिक्कत आ रहे हैं कि .com बबल हुआ है, आईटी मार्केट हैज फॉलन, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द पब्लिक सेक्टर स्टेप्स अप और कुछ पब्लिक सब्सिडी टाइप दिया जाए आईटी कंपनीज के लिए। अब पब्लिक सब्सिडी तो डायरेक्टली नहीं हो सकते क्योंकि सरकार की जो दूसरे सारे जो पॉलिसी पोजिशंस है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज द वर्ल्ड आई मीन सर्टन गवर्नमेंट्स वॉन्ट फिस्कल क्या बोलते हैं उसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रूडेंस, यस। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट द सब्सिडी इज गिवन इन सर्टन अदर मैनर्स, एंड वन वे ऑफ गिविंग सच सब्सिडी इज टू से दैट ओके गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ नेशनल ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर, इट कैनॉट एंड कैनॉट इज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, इट कैनॉट बिल्ड इट बाई इट सेल्फ, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी वन टेक्स पार्ट, इट्स वेरी पार्टिसिपेटरी, इट कैन बी मल्टी स्टेक होल्डर एज वेल, एंड ऑल दिस कंपनीज गेट इन and do the work together and ensures, this basically ensures that the IT companies have one assured client which is the government of the country. ये चीज़ वहाँ शुरू हुआ था, यहाँ अब हम देख रहे हैं कि कैसे टेंडर की पूरी प्रोसेस चलता है, and government is a very responsible employment provider and profit provider to the IT companies of this country. Whereas Narega is a completely worthless and wasteful scheme, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उसका, कुछ काम तो होता नहीं उसमें। ये होगा एक चीज़ जो समझना है, ये इंटरनेट और आईटी के साथ सरकार और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आईटी कंपनीज एंड द गवर्नमेंट वी आर सीइंग टुडे इन इंडिया, इट हैज़ दिस काइंड ऑफ अ हिस्टोरिकल बेसिस। NIU, the National Information Utilities, is the local articulation or the Indian articulation of the same kind of a feeling. That the great IT companies of this country that came up in 80s, which made a lot of money by telling the world a wonderful lie that there is a millennium bug, they finally thought that after that point, it's important to find out some other way that government assure kare ki hamare paas kaam hai, hamare paas profit hai. Ye hai ek kahani. Dusri kahani ek hi time mein ho rahe, aur ye zyadatar ho rahe US mein. यूरोप में थोड़े देर में ये चीज़ परिशोर हो रहा है, वो है कि .com बबल तो हो गया, आईटी कंपनीज के पास नया बिजनेस मॉडल है ही नहीं, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो ये नया बिजनेस मॉडल वर्ल्ड में क्या होगा, और यहाँ इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का जो एकदम खास और फंडामेंटल एक कनेक्शन है, और इन्फॉर्मेशन आज के दिन में हम जैसे उसको देख रहे हैं, जैसे उसको फेस कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, सो दे हैव अ फंडामेंटल रिलेशन नाउ, एंड दिस रिलेशनशिप इज कनेक्टेड टू द वर्ड दैट फॉर अ मेंशन विच इज पर्सनल डेटा। एक चीज बना अर्ली 2000s में विच हैज़ बीन कॉल्ड क्वाइट वंडरफुली वेब 2.0। पहले एक दूसरा वेब था और वेब 2.0 हो गया, वर्शन चेंज हो गया, वर्शन चेंज होके क्या हुआ, ये हुआ कि इंटरनेट में आपको सब फ्री मिलेगा, आप अगर डेटा खरीद लें इंटरनेट पर जाएंगे तो सब कुछ फ्री, आप किसी के साथ बात कर सकते फ्री में, आप किसी को चिट्ठी लिख सकते फ्री में, आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं फ्री में, सब कुछ कर सकते हैं फ्री में, डेटा है आपके पास, आप इंटरनेट पहुंच गए, सब कुछ फ्री है, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटरनेट
we have grown up with many of us. Some of us have also made the shift from the pre-Web 2.0 internet and how to work with such an internet, and to the post-Web 2.0 or Web 2.0 internet and how to work in that kind of a system. The critical thing ye hai ki free mein to mil rahe hain, magar uske liye to kuch paisa to lagta hoga. Aisa to nahi ki Google aapko free mein server space de rahe. Google ke paas paisa kaise aata hai? To ye jo shift hua ki software service ban gaya. Aap jo jo cheez internet mein karte hain, all these are service provided by various companies and they pay for these services by using your personal data, which created this kind of a global kind of acceptance of a business model which is based upon the fact that the user or the customer will not pay for anything in cash. Isliye cashless ho gaya to kya problem hai? Jo abhi soch lijiye, agar National Payment Corporation of India ka argument aap dekhenge, India stack ke argument aap dekhenge, to wo ye bol rahe hain ki ye cheez puri completely wrong hai ki agar hum UPI mein shift kare, NPCI ke through payment mein shift kare, to transaction cost badh jayega. This is not true because soon the banks will figure out that the information they gather through your mobile phones, kyunki har mobile phone mein UPI ka app ban gaya, to app agar aa gaya to app aapke through kafi sare data collection ho sakte hain mobile ke level mein. To wo data ka jo value hai, wo personal data jo collect kiya ja rahe hain har mobile phone mein, uska jo value hai, uska value usse matlab transaction fee leke ya transaction charges leke jo profit hoga banks ko, wo personal data leke usse zyada profit hoga. To summarize a bit, idhar do cheez ho rahe hain. Ek hai ki IT companies need public support to be profitable, something that always existed in India. The companies that are at the top of the game, who are in the commanding heights of the economy or something like that, are all largely publicly subsidized companies, and in various manners through government projects by itself. So this is one part that is happening. So Aadhaar is important not only for anything else, ki at least hamare desh ki char badi IT company uska profit at least ensured hai, uska expansion na bhi ho, at least ek level of operation ensured hai. Dusri cheez ye hai ki personal data ka collection ke liye har person ke liye ek ID chahiye. Kyunki soch lijiye aapke matlab different government departments hain, and you are getting data from all these different government departments, it need to be tied down to one person, aur wo ek person ke matlab aadhar karte hue unke sare jo data points hai usko judne ke liye ek ID chahiye. Okay. Ek ID chahiye, और ये है आधार नंबर. अब मुझे थोड़ा ओपन डेटा के बारे में भी बात करना चाहिए. ओपन डेटा का जो मसला है, अब ओपन डेटा का भी ऑब्वियसली ये सारे चीज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स से निकलते हुए आता है, कभी कभी लोकल पॉलिटिक्स से निकलते हुए आता है. ओपन डेटा वाला चीज़ शुरू हुआ था रफली सिमिलर टाइम में US में और UK में. ये सारे कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था. ओपन डेटा का मतलब समझ में आते होंगे, वो मतलब डेटा ओपन हो, सभी के पास हो, आइडिया अच्छा है, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए होगा. कॉन्टेक्स्ट ये है कि फिनेंशियल क्राइसिस जब हिट किया USA को, तो लोगों को लगना शुरू किया कि लग रहे कि गवर्नमेंट कुछ कुछ कर रहे थे जो हमको बता नहीं रहे थे. गवर्नमेंट रियल एस्टेट कंपनी और बैंक्स के बीच में ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग था जो हमको पता नहीं था, सिटीजन्स को पता नहीं था, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट इन जनरल हैं, उनको पता नहीं है. तो ऐसे होना चाहिए कि सरकार सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे, ये काफ़ी नहीं है, सरकार डिटेल्ड डेटा दे. अगेन, ये नई चीज़ है ही नहीं. जब आप सोशल ऑडिट के लिए डिटेल डेटा मांगते हैं, तब यही चीज़ मांगते हैं. ओपन डेटा शब्द नया हो सकते हैं, उसका जो मतलब हमारे लिए इंडिया में है वो नया कुछ है ही नहीं. ऐसे नहीं कि वो नए कुछ शुरू होने वाले हैं. ओपन डेटा ग्लोबली जो प्रॉब्लम रहा है, वो बेसिकली प्रॉब्लम है ये जनता इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला, कि कुछ लोग हैं मैं जैसा जो सरकार के साथ बात कर लेता है, कुछ कुछ डेटा ऑनलाइन ओपन कर लेता है, मगर उस डेटा कैसे ट्रांसलेट होके, कैसे कनेक्ट होके लोगों के पास वापस जाए, वो चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते. मगर जो इंडिया में जो जिसमें मतलब मेरे ओपन डेटा काम में जिसलिए मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ थोड़ा बहुत, वो ये है कि हमारे देश में ऐसे नहीं है कि हम ओपन डेटा के लिए वेट कर रहे थे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए. So there's various organizations who have already been doing this thing for a long time.
who have been taking data from the government, translating that, converting that into more consumable forms and formats. They were taking that data back to people. ऐसा नहीं कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, वो चीज़ बना हुआ है, कुछ कुछ सेक्टर में ज़्यादा कुछ कुछ सेक्टर में कम, वो हो ही सकता है, मगर बात है कि वो प्रैक्टिस है. जो अब इम्पॉर्टेंट है वो है कि ओपन डेटा का जो ग्लोबल डिस्कोर्स है उसके साथ लोकल प्रैक्टिस को जोड़ना, क्योंकि ग्लोबल डिस्कोर्स में काफ़ी सारे और भी मुद्दे हैं. उसके तरफ एक है, जैसे मैं बोल रहा था, वो फिनेंशियल क्राइसिस वाले मोमेंट में जब ओपन डेटा शुरू हुआ यूएसए में और यूके में, इंटरेस्टिंगली दोनों ही थ्रू सम काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल्स. उसका दो चीज़ है, एक है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली गिव आउट काइंड ऑफ एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन बट रॉ डेटा, सो मेकिंग दिस पॉइंट. और दूसरी बात यह था कि अगेन आईटी कंपनीज का प्रॉफिट फॉल कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है. नया सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या हो सकता है? अगर सरकार डेटा दे दे तो डेटा के लेकर ये सारे कंपनी कुछ कुछ सर्विसेज, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ओपन डेटा थिंग एंड एज कम्प्लीटली राइटली फ्लैग्ड बाय परम एज वेल एज इन क्रिटिकल टर्म्स. ऑन वन हैंड इट हैज़ टू डू विद अकाउंटेबिलिटी, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ टू डू विद कमोडिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन. यूके यूरोप में इसको पब्लिक सेक्टर इन्फॉर्मेशन बोला जाता है, पीएसआई बोला जाता है, यूएस में कुछ और शब्द हैं, डेटा ओपन डेटा ऐसे ही बोला जाता है, मगर ये यूज़ में एक कमोडिटाइजेशन, एक मोनिटाइजेशन है. और हम सभी के ये डेटा इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो जो एक जैसा है ऐसी नहीं है. कुछ लोग के पास कम है, कुछ लोग के पास ज़्यादा है. कुछ लोग बड़ा डेटा, जो ये बिग डेटा जो शब्द आया है अभी, जो काफ़ी सारा डेटा है, ज़्यादा डेटा है, वो एक कंप्यूटर में फिट नहीं करेगा, इतना सारा डेटा है, वो चीज़ हैंडल करने की क्षमता काफ़ी कम लोगों के पास है. तो अगर सरकार वैसा डेटा ज़्यादा देना शुरू करे तो जिनके पास वो क्षमता है वही तो यूज़ कर सकते हैं. तो ये इफेक्टिव यूज़, गर्स्टाइन ये शब्द जो यूज़ करते हैं मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. लास्ट दो तीन सेंटेंस वो है, ये प्राइवेसी वाला मामला हमको वो शब्द भी फ्लैग किया जाए, क्योंकि एक डर हो रहे हैं कि प्राइवेसी इस्तेमाल करते हुए सरकार लोगों को डेटा डिनाई करना शुरू करेंगे ऑलरेडी. तो एक तरफ ऐसे हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड नो एवरीथिंग, क्योंकि द गवर्नमेंट नीड टू गवर्न, और गवर्नमेंट बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो गवर्नमेंट के पास अगर सबका डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर दैट डेटा कैन नॉट बी गिवन आउट टू पीपल बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स. ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट इज on one hand, what this kind of a weaponization of privacy kind of a thing that is happening is that privacy is being used to stop data, stop information from coming out from the government. और ये RTI में भी हम काफ़ी देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि कौन बाहर घूमने गए थे, कितना रुपया लगा उसके लिए, ये बहुत प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, ये दिया नहीं जा सकता. लोग आधार में काम कर रहे थे, उसके बाद इंडिया स्पिरिट चले गए, आधार के ऊपर कुछ कुछ और सॉफ्टवेयर बना दिए, वो सॉफ्टवेयर सरकार के बाहर बने, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर को भी देख नहीं सकते. वो कौन से लोग वो बना रहे थे ये भी पता नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है. तो ये प्राइवेसी का भी अगेन थोड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि इसके सरकार कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम इसी शब्द को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए. थैंक यू. स्पोकन फॉर लॉन्ग. No, thank you, Sumandro. I think he spoke mostly in Hindi. So if anybody who doesn't understand Hindi has missed some part of it, he kept on speaking in English also in between, can flag it now. And should I do a quick summary? No. Yeah, I think you were using the words in English at the end of it, each description. So I'll get people involved here. I think one thing I heard from all the three presenters was that there are some basic terms of democracy, which are participation, representation, inclusion. These kind of things have been played around. Yeah. And use of technology has allowed us to play around with them. And that's happening at a large scale. And Nikhil said that we need to reclaim things not only in language but in practice. So I think the biggest challenge is in practice using the power of these technologies. Yes. What do these words actually mean is something has to be reclaimed by us. So ek cheez jo maine tino speakers mein pai wo ye thi ki jantantra ke jo mool shabd aur siddhant hain
भागीदारी रिप्रेजेंटेशन जैसे, उनको तकनीकी प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से एक अलग सा मतलब दे दिया गया है और हम लोगों को ये वो हम एक्सेप्ट करने लगे हैं कि यही है डेमोक्रेसी और यही जनतंत्र है, यही भागीदारी है और ये बहुत हो रहा है इस वक्त। बेसिक जो मूल सिद्धांत है हमें इसीलिए रिविजिट करने पड़ेंगे और उसको करने का एक ही तरीका है कि केवल हम एक विकल्पिक सिद्धांत ही ना बनाएं बट हमें करके दिखाना पड़ेगा कि इन तकनीकों को इस्तेमाल करके जनतंत्र, भागीदारी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, नागरिक का लोग प्रक्रियाओं में शामिल होना ये किस प्रकार से हो पाएगा। तो ये हमारी जो मूल हमारी चैलेंज है। तो वी हैव अबाउट 15-20 मिनट्स। आई विल आस्क पीपल टू गिव आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टेड एट द स्पीकर्स एंड आल्सो स्पीकर्स इन meanwhile want to respond to anything somebody else may have said, they're welcome to do it. So it's open house now. Please go ahead and then ye democracy in digital era jo hum keh rahe hain to isme mere khayal se do cheeze Hindi and in between quick summary of whatever main language you are using, the other language quick summary, yeah. Very quick. We are running out of time, but तो इसमें दो चीजें जो है जिस पे बात हुई नहीं उस पे मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ। तो एक तो आधार पे काफी बात हुई है, तो आधार से हमारा जो डेमोक्रेसी का बेसिक डेटा है, इलेक्टोरल रोल्स जो बनते हैं, तो इसके मामले में जो रिस्क है डेमोक्रेसी को कि आधार से जो अगर इलेक्टोरल रोल अलग तरह से बनाए जाए या उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, तो इसके ऊपर कोई राय अगर पैनल दे सके तो ये एक बात है। और दूसरी बात जो है कि इस डिजिटलाइजेशन में हम तो इलेक्ट्रॉनिक वोट को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, मगर हम सोचते नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोट ये हमारा वोट ही है या नहीं, क्योंकि ये इसमें तो रिसीट नहीं मिलती है, इसमें तो कोई ऑडिट नहीं होता है। तो ये डिजिटल डेमोक्रेसी तो पूरी एक चक्कर है, एक जादूगरी है, एक हाथ चलाकी है। तो इसमें तो क्या करना चाहिए? सो इन इंग्लिश आई थिंक इन शॉर्ट बेसिकली टू क्वेश्चंस अराइज इफ यू लुक एट डिजिटल डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज दैट यू नो आवर इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एंड have been linked at least in between with Aadhaar, and it is very easy therefore to put in not only ghost entries but fraudulent entries and also change people from one electoral roll to another and therefore manipulate the very constituents of a constituency and the vote that would be cast. And secondly, when we trust the EVMs, the electronic voting machines, there is a big trust that the vote that I cast actually went for my candidate and remained there. And you know, there is no mechanism of issuing us a receipt or having this be audited, and therefore what kind of risks are we actually introducing in digital democracy? Okay, thank you Anupam. I'll take four questions or comments and then come back to speakers. Anita next. I think I just wanted to add to the long list of terminologies that have been digested of the political content, something that is again a sleight of hand of corporate India, which is on the India Stack website, and I think this is very, very serious. It's been made to, we are being made to believe that the entire effort is a public-spirited effort developed by volunteers. Now the corporation has declared itself a volunteer. I mean, so we are in the next era. You were talking about corporations going and telling the public sector to redeem and right. You know, save it. You know, save it. But what we are saying is, India Stack is a set of APIs managed by public organizations developed by iSpirit volunteers. Now, and this is an entire bogey of what public is itself being hijacked. Somebody has to translate. Yeah. Okay, volunteers, स्वयं बोलूँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। आई स्पिरिट
बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है. वी ऑल शुड बी स्टडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑल बट सम ऑफ अस डेफिनेटली. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ इंडस्ट्री बॉडी दैट हैज कम अप. इस इंडस्ट्री बॉडी लार्जली आई स्पिरिट ऑफ काइंड ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर कंपनीज और द कोट एंड कोट न्यू सॉफ्टवेयर कंपनी. ट्रांसलेशन तो जो बताइए अनिता जी ने वो ये है कि ये जो लंबा लिस्ट हम बना रहे थे कि जो जो शब्द हमको थोड़ा इसका इनोसेंस हटा के देखना चाहिए, उसमें ये वॉलंटियर वाले शब्द भी जुड़ा जाए, क्योंकि वॉलंटियरिज्म और एक तरह की कॉरपोरेट वॉलंटियरिज्म के नाम पे चीज़ें अनअकाउंटेबल बनाए जा रहे हैं, चीज़ें अनऑडिटेबल बनाए जा रहे हैं. स्वयंकर्मी वॉलंटियर तो पता होगा, वॉलंटियर इज नॉर्मल वर्ड, ठीक है. वॉलंटियर होगा पब्लिक स्पिरिटेड वॉलंटियर, और वो भी कॉरपोरेट लोग हैं जो सोच लीजिए आधार जो सिस्टम बना रहे हैं, सोच लीजिए वो आधा अंदर बनाए सरकार के, वही लोग आधार और यूआईडीआई छोड़ के आई स्पिरिट ज्वाइन की, उधर वॉलंटियर बन गए, उधर जाके उस सिस्टम के बाकी आधा बनाए. तो यूआईडी का जो सॉफ्टवेयर है वो तो ऑलरेडी हम देख नहीं सकते, हम मतलब पब्लिक ऑडिट तो हो नहीं रहे, इंटरनल गवर्नमेंटल ऑडिट भी नहीं हो रहे. जो सॉफ्टवेयर बाहर बनाए जा रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, और बोला जा रहा है हर सेंटेंस के एंड में कि वो ओपन है. और क्या है ओपन? एपीआई है, जो एक ऑक्सीमोरन है. एपीआई क्लोज हो ही नहीं सकते. एपीआई का मतलब यह है कि दूसरे सॉफ्टवेयर को अगर इस सॉफ्टवेयर से बात करना है, कुछ चीज़ मांगना है, सोचिए डेटा मांगना है. जैसे ई केवाईसी जब होता है, बेसिकली आधार से, आधार के सिस्टम से बैंक कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, तो मांगने की जो प्रोसेस है उसको एपीआई कहा जाता है, ठीक है. तो अब जो मांगने की सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो तो क्लोज हो नहीं सकते, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं उसका. तो ओपन एपीआई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जहां भी देखेंगे उसको अटैक करेंगे कि ओपन एपीआई कुछ चीज़ ही है नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आई मीन शब्दों का खेल है और जिन्हें हमें रिटेन करना है. प्लीज, I have a question regarding a very practical thing that's happening with Aadhaar on the ground, which is people have been made to sign consent forms to get registered with Aadhaar, and they have to give their Aadhaar number to get NREGA wages or other things, pensions, etc., etc. So, and this is practically, it's going rampantly. Now, coming back to the wording in the petition, is it too late to stop it or to prevent it or to change it? And if yes, then what can be done? So I'll just translate that question. I mean, and of course the ramifications thereof. What can we do to prevent this rampant enrollment in Aadhaar? Because people on the ground, they are not having any kind of legal recourse to take, because it's a consent form and they don't get consent before signing. Mera ye sawal tha ki Aadhaar ka jo ground mein jo ho raha hai, लोगों के पास एक हस्ताक्षर मांगा जा रहा है, एक दस्तखत मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं अपनी खुशी से अपना आधार नंबर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कि लोग अपना नरेगा के वेजेस में हो या फिर नरेगा हो या पीडीएस हो या पेंशन हो, जिसमें भी हो, वो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ कि मैं अपना आधार नंबर दे रही हूँ, आप मेरा आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह से. तो जो श्रमिक है, जो 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 फील्ड में काम कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई सरकारी या कानूनी स्थापना बना हुआ है जिसको वो अपना इस्तेमाल करके वो कह सकते हैं, वो सवाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं इस वजह से. तो मेरा ये सवाल है कि उषा जी ने कुछ देर पहले एक कहा था कि एक कानूनी पेटिशन में उन्होंने कहा था कि पहले ये कहा था कि आप बहुत पहले बहुत जल्दी आ रही हैं, फिर बाद में वो पेटिशन में ये कहा गया कि आप बहुत देर कर चुकी हैं. तो मेरा ये सवाल है कि क्या सही में इतना देर हो चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते अभी? तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? I'll just say cryptically because there's no time. The first thing I think we need to remember is abhi hamari citizenship Mike somebody is even this one working and he's trying to fix it. Is this working? Yeah. Okay. So some things to remember. Pehli cheez ye hai ki hamara abhi jo chalta hai wo KYC se chalta hai. KYC mein C citizenship ki nahi hai, customer ki hai. Just think about what it means. सेकेंड थिंग एंड इन दैट टू रिमेंबर अभी स्टेट कस्टमर बन गया है और स्टेट का काम ये है कि दैट दे शुड गिव वॉट एवर दे हैव टू द कॉर्पोरेशंस सो दैट द कॉर्पोरेशंस कैन देन रन इट एफिशिएंटली.
and do what they want with it and make data as property. Second thing is, ये जो आप कह रही हो जीविका कि कैसे करना है कहाँ जाना है वगैरह वगैरह, that is not the intention. So we must understand कि एक intended consequences है, एक unintended consequence है, एक expected consequences है और एक abuse है. So we have to make a distinction between these. Intended consequence is to disrupt the system. Disruption एक बड़ी चीज है. अभी economic times में कभी कभी पेज का headline होगा, मतलब in the top, disruption. This is a term that has been introduced by the digital people, by the technology people, saying कि अभी बहुत सारी चीज moribund हो गए हैं, मतलब कुछ चलता नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हमें disrupt करना जरूरी है. And we have some great instruments with which to disrupt. तो अभी इफ यू वॉच यू फाइंड दैट डिसरप्शन पीडीएस में जानबूझ के हो रहा है. इट्स नॉट अ मिस्टेक. दीज आर नॉट मिस्टेक्स दैट आर हैपनिंग ऑफ एक्सक्लूजन. दे आर इंटेंडेड सो दैट पीपल विल बी सो अनहैप्पी विद इट दैट यू विल और दैट इट विल नॉट वर्क. एंड सो इट इज नॉट ओनली इंट्रोड्यूसिंग अ टेक्नोलॉजी इन टू पीडीएस, इट इज डिस्प्लेसिंग वॉट एग्जिस्ट. सो ये मतलब ये करने के लिए किया जा रहा है ताकि एवरीथिंग एट बेस्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इट विल बी पुट इन बाय द गवर्नमेंट इनटू द एंड दैट्स वेयर यू कम टू कैशलेस, पेपरलेस, प्रेजेंसलेस, ई साइन, ई केवाईसी, डिजिटल लॉकर, ताकि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा. और उसके ऊपर एक कंसेंट लेयर है विच इज कनेक्टेड विद योर कंसेंटिंग. इट्स नॉट ओनली कंसेंट इन दिस, द होल मीनिंग ऑफ कंसेंट हैज गॉट कंप्लीटली परवर्टेड. So they have a consent layer where you'll be giving consent and the money will go from one UID number to another UID number, which Anupam will be telling you about later. Taki, you not only have no control over the systems around you, you have no control over the money that you earn or that is due to you. Because the fintech companies are looking for transaction costless or minimum cost of transaction to take money away from the government to private companies through these bank accounts that are being set up. Those systems, everything is on the net. We just have to look for it to see it. Third thing is, when we say democracy, this is coercive democracy that we are working on. So this is not consensual. This is not representative. What we have entered is the era of coercive democracy. We need to unpack what that means. The fourth thing is that the ideas that we are, when he was explaining about Google and all these, the free internet. The same kind of way they say now that we need to move from being a data poor country to being a data rich country. And I'm just going to briefly read two sentences for you from Nilakani's, whatever speech or whatever foreword that he wrote in something in Credit Suisse. He doesn't talk to us, he talks only there. Finally, as India goes from being data poor to data rich in the next 2 to 3 years, the electronic consent layer of the India stack will enable consumers and business to harness the power of their own data to get fast, convenient and affordable credit. Such a use of digital footprints will bring millions of consumers, digital footprint will bring millions of consumers and small businesses who are in the informal sector to join the formal economy. And as data becomes the new currency, financial institutions will be willing to forego transaction fees to get rich digital information on their customers, which they will then make into profit. These are stated. This is not something we are hypothesizing. So think about what it means. Sorry, just to just to add to that, there is another it's a very nice term that you should all use, which is one of the things that Nilakani also said. Is fintech would be the killer app of Aadhaar, right? And it's killer literally. Can I say this? Yes. That UID and public health, they said that they needed a killer app for health. That's true. So that's it. All problems are solved by a killer application. Then I think it is important that we need to follow the people. You have to follow. At one point, I stopped looking at Nilakani because I said, okay, he's gone to Congress party and then he's phased out. No, he's come back in a different avatar, but it's not just him. I think it's important that Nilakani was the e-governance. He and Sam Pitroda wrote the e-governance document. When he came into the UID, he's written a book, which I think nobody should buy because no royalty should go to him, but everyone should read. And because there is so much that is lies, but there is also so much that is very that is revealing in that book. So he tells you who the architects of the UIDAI was. He tells you how he got into it.
And you find that when he steps out of the, when he's in the UIDAI and he's part of the government apparatus without government answerability, he produces a series of reports. And then he steps out and he becomes consultant to the NPCI. And the NPCI then adopts the UID as the one way in which it will, the only way in which it will help the fintech companies. Then he brings out with him Pramod Verma, Sanjay Jain, all these people who've been part of UIDAI. They are young innocents in a sense. They are just devotees. So they are sitting there and saying, you know, we evangelized when we were inside the UIDAI. And now we've come out because inside you had the CAG, they had to answer, RTA, they had to answer. Here we don't have to do anything. Who pays Pramod Verma? Because he's a volunteer with India Stack. But he doesn't look like a poor man. So who pays him? He's paid as because he's a full-timer with Ek Step. What is Ek Step? Nilakani's philanthropic organization, which is going to take education maybe digital education, yeah, to various places. This is a way in which private money is being brought in to pervert public policy, and they're going to donate what they do back to the government so that you can't say they made any profit out of it. But they make their profits through other ways. The what Nilakani is today saying that everyone should do is to get in quick, create the stack. What is stack? You have a platform which is the UID and you're creating stack on it. So multiple uses. What are these uses so far? We've seen labor, the labor market, yeah, the way they're going to control and profile the labor market. They've got on to the fintech where it will be cashless, paperless, presenceless with a consent layer. Think about what it means. People who work, NCPRI is sitting here. Paperless means you have no track. Without paper, you have nothing. Presenceless means both that you are irrelevant to the system because the money will keep moving. And it also means huge opportunities, which again, Anupam will tell you about, for money laundering, for pushing things around. You can create any number of numbers that you want if you're sitting inside that system. So, and the last thing is that, well, it shouldn't have been the last thing because it's not the most important thing, but that data as property, each of us is being, and actually this is the most important thing. The government has now brought out, since in 2012 they brought out a document, and it's called the National Data Sharing and Accessibility Policy. National Data Sharing and Accessibility Policy of 2012. They call themselves, see, we always thought of the government as custodians of information that we have. They call themselves the owners of property. And they are now deciding which of that property should be given to whom. Some will be given to private companies that will be formed. Some will be given earlier, what used to be available for academics and whatnot will now be given to commercial agencies. A few days ago you had that, where the government departments are treated as owners and they will decide which of this information will be made public, and people can use it for commercial purposes. They don't have to pay for getting the government, but as providers, they can gather money from those whom they are providing it to. This is where we are today. So it's not a happy place. When you are asking, what do we do about it? First thing, of course, is that we need to know it's happening. Second, we have to disrupt this disruption. It's important, and it's not at all too late. It's never too late, but it is definitely not late now, because many parts of the system are already crumbling. We just have to force a recognition of that. Yeah. They are pretending, yeah, it doesn't happen. PDS, they will use biometrics. In fintech, they don't use biometrics. Why? That's what we need to work with. Anything? Quickly, we are running short of time. 1 minute each, please. Yeah. To respond to Anjali's point, absolutely. So technology and technology as a black box, as a mystifying kind of a component to distance, to alienate citizens from its interfacing with the government or kind of linkages with the government, and this entire thing of presenceless. So just to add to what Usha said, the other presenceless part is that the government is not present to listen to anything. So it's also that the people doesn't exist for the government and the government doesn't exist for the people. It's kind of both ways. But on that note, I think something that we have to keep, especially not necessarily when we're stating this outside, but especially in a discussion like this, is to say, is that it is not technology itself that is coming in, but there is a change in the technologies of delivery. So technologies were always there. I mean, there are various kinds of bureaucracy is one kind of, if not technology, a technique at least. And it is being changed
And it's not that there's a kind of a self-driven technological change and that is leading to different kind of transformations in this interface. It is that a particular kind of technology is being created and being deployed in a particular manner. And there's a will there, there's an intention there. And that is where we need to attack and not at the level of the technology. That's my understanding. That it is with what intention the technology is being brought in, what kind of technology is being brought in, what is being developed, by whom, who is making profit, and especially this entire kind of this open source volunteerism, this thing as well, is that suddenly this was being discussed earlier as well, which is that there is a not-for-profit core. And every time we attack the system and say that maybe there is some... So follow the money is sometimes not useful here. Because what we need to do is not follow the money to the core, but follow the money to where these people go next, what else they build, what is being enabled by the not-for-profit core, what are these profit shells that are being created, and what is the linkages between the profit-making shell and the not-for-profit core. मैं दो चीजें एक तो सवाल था ये डिजिटल डेमोक्रेसी के बारे में आई थिंक द पॉइंट वन पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड इज इट्स नॉट द यूज ऑफ द डिजिटल मीडियम विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क व्हिच इज एक्चुअली टू डिसरप्ट इन मोस्ट केसेस सर्टेनली टू कंट्रोल बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग द डिजिटल मीडियम दैट इज वेयर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट Because that medium is actually open to a lot of manipulation and we have to find ways and means in which we democratize it. So that is one part. Aur dusra main bahut jaldi kehna chahunga ki ye data pata nahi data ka shabd hindi mein kya hoga suchna hoga anusuchna ya kuch aisa kuch hoga chota aankde honge aankde bhi hai suchna bhi hai dono cheeze hain data shabd hum kaam mein lenge lekin hindi ka shabd bhi dhoondna padega kannada ka shabd bhi dhoondna padega to ha data to data data to hai but in tamil if you write it will become tata so problem hai tata lekin data hi mere khayal mein kuch hame basics mein bhi hamesha rakhna padega aaj ki tarikh mein yadi ration mein fir se main ye aankda kai baar dunga यदि राजस्थान के 30% लोग जो हकदार हैं राशन के उनको ये यूआईडी और आधार की वजह से बाहर रखा जा रहा है तो वो एक करोड़ लोगों की संख्या है जो कल सड़क पर होगा तो कौन खड़ा हो सकता है उनके सामने आज जो हम 500 और 1000 रुपए नोट के साथ जो पूरा खेल देख रहे हैं यदि उनको हम मोबिलाइज करें कौन खड़ा हो सकता है उनके सामने करोड़ों रुपए हैं जो इस पूरे खेल के विक्टिम्स हैं तो हमें ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम हमेशा के लिए फंस गए आज फंसे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो साफ दिख रहा है आप इतने लोगों के साथ क्या खेल खेल रहे हो उन लोगों को हम शायद नहीं ला पा रहे हैं जिस ढंग से हम लाए और सूचना के अधिकार का एक सबसे पहला नारा जो बहुत प्रचलित हुआ वो हमारा पैसा हमारा हिसाब था मेरे ख्याल में हमें या हमारी सूचना हमारा अधिकार या हमारा डेटा क्योंकि डेटा के ऊपर पैसा है ओनरशिप है खेल है ये सारे चीज हो रहे हैं ऐसे किसी किस्म का नारा हमें ढूंढना पड़ेगा निकालना पड़ेगा चलना पड़ेगा उसको लेके कि हमारी सूचना के साथ आप खेल नहीं खेल सकते हैं हम तय करेंगे कि उस सूचना क्या लिया जाएगा कैसा काम में लिया जाएगा कैसा होगा वो वाला कॉन्सेप्ट जैसे पैसों के साथ भी हुआ वैसे ही सूचना के साथ भी होना चाहिए तो वो मेरे ख्याल में वो पंजाबी एक महिला ने डूंगरपुर के सोशल ऑडिट में 2005 में ये बहुत प्रचलित नारा है लेकिन वो 75 साल की थी और वो सामने खड़ी हुई और उसने कहा साडा हक एथे रख वो हाँ तो वो ना केवल बोला वो नारा जो बाद में फिल्म में आया लेकिन वो उसने कहा वो आई पंजाब से ठेठ और वो 75 साल की और उसने कहा ये पूरा सोशल ऑडिट मुझे इतना ही समझ में आया साडा हक एथे रख बस बात उतनी है थैंक यू आई जस्ट क्लोज बाय सेइंग वन थिंग एंड पिक अप फ्रॉम व्हाट निखिल सेड दैट वी नीड टू गेट दोज स्लोगन्स एंड capture the system back go beyond what Usha was saying disrupting the disruption the double negative would take us that far but this area technology is very very powerful you'd not be able to live without it it gives you a lot of gains and we have to reconstruct
It's very very difficult, but if you start making those small principles, जैसे वो होता है ना कि पानी बिल्कुल छूट गया उसके एक तरफ से तो बांधना शुरू करें पानी को तो slowly we'll be able to do it. But let's start thinking of some principle, कुछ basic सिद्धांत जिसके द्वारा जैसी बातें कही कि open data है क्या, उन छोटे छोटे सिद्धांत बनाने शुरू किए, क्योंकि अगर इसको पकड़ना नहीं शुरू किया और ये सोच लिया कि बहुत ही बड़ा है ये हमारे हाथ से निकल गया, तब तो निकल ही गया हाथ से, तो इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा शुरू कर पाए, ये हमारी जद्दोजहद रहेगी इस वर्कशॉप में. थैंक यू सो मच.